चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n एंड द nth टर्म इज़ 1/m, शो दैट सम ऑफ एम एन टर्म्स इज़ 1/2 mn+1। ये क्वेश्चन करने से पहले ज़रा मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी व्यूवर्स से कि एक बार ही हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब हम जो है ऐसे वीडियोज़ रोज़ के रोज़ डालते रहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये भी कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जो आपसे हल नहीं हो रहा और आप ये चाहते हैं कि हम उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाउन अपलोड कर दें, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन हमें ज़रा भेज दें अपने कमेंट्स में लिख करके, और जो हम वो क्वेश्चन जो है आपका वीडियो बनाकर जितनी जल्दी हो सकेगा हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो इस क्वेश्चन का हल देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन में पास है, इफ़ एंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n एंड एंथ टर्म इज़ 1/m, शो दैट द सम ऑफ एम एन टर्म्स इज़ हाफ ऑफ mn+1। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे असल में दिया हुआ क्या है कि एम एम्थ टर्म यानी मीन्स ए एम इक्वल्स टू 1/n, और जिसको मैं लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, ए एम मीन्स ए प्लस एम माइनस 1 d इक्वल्स टू 1/n, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n, और मुझे दिया है nth टर्म ए एम, वो हमें क्या दिया हुआ है 1/m है, दिस मीन्स ए प्लस एम माइनस 1 सॉरी एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 1/m। जब मैं सॉल्व करूँगा तो ए प्लस एन डी माइनस टी इज इक्वल टू 1/m। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं जरा आपस में, ये माइनस प्लस ये माइनस कैंसिल ये कैंसिल, एम माइनस एन डी इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। तो हम ये क्या करेंगे, एम माइनस एन डी इक्वल्स टू, मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, एम माइनस एन अपॉन में एम एन, तो यहाँ से जो हम डी की वैल्यू निकालेंगे एम माइनस एन अपॉन एम एन, ये एम माइनस एन मेरे पास आएगा नीचे कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 1/mn। इस डी की वैल्यू उठा के मैं चाहे यहाँ पे पुट कर लूँ इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, जहाँ मर्जी आप जो पुट कर सकते हो, पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास क्या है ए प्लस एम डी मीन्स 1/mn माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n, एम से एम कैंसिल हो जाए मेरे पास, ए प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n, तो n से ये कैंसिल हो जाएगा ए इक्वल्स टू 1/mn। तो मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ से आ गई और d मेरे पास ये रहा, तो मुझे निकालना क्या है सम ऑफ एस एम एन, ये मुझे ये निकालना है। इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, एम एन अपॉन में 2 टू ए प्लस एम एन माइनस 1 d, ये मेरे पास होगा एम एन अपॉन में 2, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एम एन अपॉन 2 टू ए, ए की जगह मेरे पास 1/mn प्लस एम एन माइनस 1 और d, d मेरे पास जो है वो 1/mn, ये मेरे पास है एम एन अपॉन में 2, मेरे पास क्या हो जाएगा 2/mn प्लस एम एन से कैंसिल होता 1 माइनस 1/mn, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा एम एन अपॉन में 2, यहाँ सॉल्व करते हैं ये मेरे पास है, यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे मेरे पास बचेगा 1/mn प्लस 1, तो मैं जरा सॉल्व को यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आएंगे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एम एन अपॉन 2, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, बस बचेगा एम एन प्लस 1 अपॉन एम एन, एन एन एम एन से बस क्या बचेगा हाफ ऑफ 1/mn, यही मेरे पास आंसर है। मैं लिखना चाहूँ जैसे मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है एम एन प्लस 1, ये मेरे पास आंसर है।